इस पे हाथी भी चढ़ जाएगा तो ये टूट फूट नहीं होगा, हाथी भी चढ़ जाएगा हेलमेट पे भी नहीं टूटेगा। अच्छा मान लीजिए ये हेलमेट पहन के अगर किसी ट्रक के नीचे में भी सर आ गया तो कुछ नहीं। हाँ दोस्तों, सड़क पे जो एक्सीडेंट होता है ज्यादातर तब लोग के मरने का चांस रहता है जब किसी ट्रक के नीचे में आ जाता। यूं तो ट्रक का बहुत वजन होता है लेकिन सिर्फ अगर आपका सर घुस जाए ट्रक के नीचे और ये हेलमेट पहने हुए रहेंगे तो रहमान भाई की गारंटी है कि आदमी का सर नहीं फटेगा। एकदम सही बात है। सही दोस्तों, जब तक रोसरा में थे तो हेलमेट के वजह से कोई दिक्कत होता नहीं था, चेकिंग कुकिंग देखते थे तो दूसरे रास्ते से भाग जाते थे। आ 7-8 साल से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हेलमेट हम पहनते हैं धूल की वजह से, लेकिन ज़्यादातर जब लोकल चौक उक पे या लोकल मार्केट पे जाना होता था तो हेलमेट नहीं पहनते थे। लेकिन जब दरभंगा जैसे शहर में आइएगा तो यहाँ हेलमेट पहनना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहला तो आपको फाइन लगेगा, जगह जगह पे चौक चौक पे पुलिस रहता है, और दूसरा यहाँ पे गाड़ी इतना ज़्यादा चलता है मेन रोड में दरभंगा के मार्केट में कि एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ रहेगा। इसी डर से हम हेलमेट खरीदने के लिए आए, लेकिन हमारे सामने में 3 हेलमेट देख रहे होंगे, और हेलमेट खरीदने वक्त हम लोग क्या करते हैं कि रेट के हिसाब से हेलमेट खरीदने चले जाते हैं, क्या रहमान जी? जी जी, रेट के हिसाब से लोग आते हैं कि सस्ता से सस्ता, सस्ता समझे जी। और होता क्या है कि रेट के हिसाब से खरीदने, देखने में तो दोस्तों ये हेलमेट के जैसा ही लग रहा है पूरा, और पूरा डिजाइन उजाइन ग्राफिक्स वगैरह भी है इस पर, लेकिन खरीद तो लिए कम दाम में, कम पैसा कुछ पैसा के लिए मोल मोलाई करके, लेकिन इस हेलमेट को पहनने के बाद कहीं से भी हमारी जान को और हमारे सर को जो है ना सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। यही चीज़ हम इनको बोले कि हेलमेट ये भी है सस्ता में, हेलमेट पीछे भी है कुछ महंगा में, तो दोनों तो ठीक ही है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब दोनों में फ़र्क क्या है सर? फ़र्क ये है कि इसमें जो क्वालिटी होती है वो नॉर्मल क्वालिटी होती है, जाके अगर लोग पहन कर चलते हैं रास्ते पे गिर पड़ गए तो उसमें कि सर में चोट लगने का अंदेशा रहता है, इसलिए सस्ता मतलब बार बार खरीदे और महंगा एक बार खरीदे, तो लोगों को चाहिए कि अच्छा और कंपनी का हेलमेट खरीदें। और दोस्तों ये जो हेलमेट आप देख रहे हैं ना, देखने में आपको बहुत खूबसूरत हेलमेट लग रहा होगा, लेकिन जितना खूबसूरत है, आप जैसे कहते हैं ना कि जो ज़्यादा खूबसूरत होता है उतना ही दिल तोड़ता है, वही चीज़ इस हेलमेट के साथ, खूबसूरत तो है लेकिन पहन तो लेंगे, आप ही दुकानदार हैं, ये थोड़े बोलेंगे कि हेलमेट फट जाएगा, क्योंकि इनको बेचना है और लोग का डिमांड रहता है कि हमको सस्ता में चाहिए, नहीं रखेंगे तो मेल इनका टूट जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए बोल रहे हैं कि सर में चोट लग जाएगा, लेकिन गारंटी है कि ये हेलमेट पहन करके अगर किसी ट्रक के नीचे में आ गए, किसी दीवार से टकरा गए, किसी बड़ी गाड़ी से टकरा गए तो इसके फटने का खतरा रहता है। इसीलिए कभी भी दुकान में हेलमेट खरीदने जाइए तो इस तरह का हेलमेट, और इस तरह का हेलमेट जो कम दाम का हो, सस्ता हो, कभी भी खिलवाड़ मत कीजिए। 1 लाख का मोटरसाइकिल तो हम लोग खरीद लेते हैं लेकिन वही 2000-3000 के हेलमेट में मोल मोलाई करने लगते हैं। यही चीज़ हम जब यहाँ दरभंगा के खानका चौक मिर्ज़ापुर रोड के गोल्डन आर्ट में आकर के रहमान भाई को बोले कि कम दाम में हमको दीजिए, तो हमारे सामने ये 3 हेलमेट रख दिया और भी है, तो फिर ये हमको समझाए कि आप मीडिया वाले हैं, घूमते रहते हैं, खतरा रहेगा, एक्सीडेंट कर जाइएगा, नुकसान हो जाएगा, फिर कहेगा कहाँ से हेलमेट खरीदा था, तो गोल्डन आर्ट से खरीदा था, तब ही बोले कि ई नहीं लीजिए। फिर हम सोचे आप लोग को भी बताते हैं कि हेलमेट में कभी एक तो मोल मोलाई मत कीजिएगा, और दूसरा नंबर चीज़ कभी सस्ता हेलमेट के पीछे मत भागिएगा। गाड़ी में डेली 500,000 का तेल भरवा लेते हैं, है कि नहीं? लाख रुपया से कम अब स्प्लेंडर भी नहीं आता है, तो हेलमेट में क्या दिक्कत है हमको 2000-3000-4000 का लेने? बेहतर है कि वो मजबूत भी है और जिस्म को बचाता भी है, सर को भी बचाता है, और वो ज़्यादा बेहतर है कि कंपनी का ही हेलमेट खरीदें। ये हेलमेट को अभी हम यहाँ से हटवा रहे हैं, आप भी ऐसे हेलमेट को उठाने से ही, छूने से ही आपको बुझा जाएगा कितना दम है ये हेलमेट। ऐसे ज़िंदगी को इसी तरह से अपने ज़िंदगी से बाय बाय कर दीजिए, खूबसूरत हसीना को भी बाय बाय कर दीजिए, खूबसूरत हेलमेट जो दिखने में हो पतला सा हल्का सा उसको भी बाय बाय कर दीजिए। अब रहमान भाई बताइए हमको कौन सा हेलमेट आप सजेस्ट कीजिए? सर ये देख लें आप, ये बहुत ही कंपनी है, कंपनी का है, एस्टर्ट्स कंपनी का है, और प्राइस भी इसका मुनासिब लगेगा, और डिज़ाइन भी देख लें, इससे पहले जो हमने दिखाया था सेम ऐसे ही डिज़ाइन का है लेकिन वो लोकल है और ये एस्टर्ट्स कंपनी का है, तो हमारे पास बहुत सारे वेराइटी हैं, एस्टर्ट्स कंपनी के हैं सारे। वो हेलमेट उठाए थे तो 300 ग्राम का नहीं लग रहा था, 4-5 किलो का लग रहा है। नहीं, 1 किलो का, ये 1 किलो का वजन लग रहा है। जी जी, हमको लगता है बहुत ज़्यादा हल्का उठा लिए थे। हाँ, इस पर हाथी भी चढ़ जाएगा तो ये टूट फूट नहीं होगा, हाथी भी चढ़ जाएगा हेलमेट पे भी नहीं टूटेगा। अच्छा मान लीजिए ये हेलमेट पहन के अगर किसी ट्रक के नीचे में भी सर आ गया तो कुछ नहीं? हाँ दोस्तों, सड़क पे जो एक्सीडेंट होता है ज़्यादातर तब लोग के मरने का चांस रहता है जब किसी ट्रक के नीचे में आ जाता। यूं तो ट्रक का बहुत वजन होता है
लेकिन सिर्फ अगर आपका सर घुस जाए ट्रक के नीचे और ये हेलमेट पहने हुए रहेंगे तो रहमान भाई की गारंटी है कि आदमी का सर नहीं फटेगा। एकदम सही बात है, सही बात है। और हेलमेट दिखाइए, हेलमेट काफ़ी खूबसूरत है और ब्रांडेड है, ISIMR का भी है, बहुत सारा इसमें खूबी है। अच्छा, ये भी डिज़ाइन के हैं। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। इसमें भी खूबी है ये कि ये खोलने वाला है इसमें। हाँ, 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 हाँ। ये देख लें, इसमें 3-in-1 है, खुलने अच्छा। वाला भी है, दोनों चीज़ है। ये भी खोल कर लगा सकते हैं, शीशा भी उठा सकते हैं। इसमें भी चश्मा दे रखा है एक और। अच्छा अच्छा, ये देख लें, मतलब सारा खूब सारा खूबी इसमें दे रखा है। इसको शीशा उठा दिया और चश्मा पहन के चलना है तो चश्मा भी पहन के, ये आगे से इसको, हाँ ये है कि ये इसको बचाने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये पूरा प्रोटेक्शन है। तो हमको लग रहा है जितना इस हेलमेट पे ही फोकस कर रहे हैं, हमको आप यही हेलमेट सजेस्ट, बेहतर बेहतर आप यही हेलमेट लें, यही हेलमेट लेंगे। और दोस्तों हम यही हेलमेट लेंगे क्योंकि निश्चित रूप से मोटरसाइकिल पे ही आधा दिन पूरा दिन हम लोग का निकल जाता है और कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, तो हेलमेट रहेगा तब ना जान बचेगा, जान बचेगा तभी ना काम करेंगे। तो रहमान भाई को कम से कम हम धन्यवाद देते हैं कि गलत चीज़ हमको नहीं दिए, सस्ता के चक्कर में मेरा जान आप नहीं लें। एकदम, जिंदगी बहुत अनमोल होती है, इसलिए आप यही लें। और दरभंगा में आइए कभी हेलमेट उलमेट लेना हो तो मिर्ज़ापुर रोड में गोल्डन आर्ट नाम का दुकान है, ऊपर में मोबाइल नंबर दे देते हैं, रहमान भाई का है। यहाँ पे आकर के हेलमेट और मोटरसाइकिल एसोसरीज का जितना सामान है, स्टिकर उस्टिकर नंबर प्लेट वगैरह, और रहमान भाई से पूछ लेते हैं क्या क्या है। सर हमारे यहाँ एसेसरीज़ के मामले में बहुत सारे आइटम, मैं बता तो नहीं सकता हूँ लेकिन मोबाइल के ज़रिए दिखा सकता हूँ आपको। फिर भी कुछ बता दीजिए तो मुझे, जब से समझ लें कि हेलमेट हो गया, डिक्की हो गया, इंजन प्लेट हो गए, लेग गार्ड हो गए, और इंडिकेटर के एक से एक आइटम सब हैं, लाइट है, हेडलाइट, मोटरसाइकिल को सजाने का सब चीज़ है, फुल्ली नंबर प्लेट वगैरह सारा, जी जी नेम प्लेट, नेम प्लेट, हाउस नेम प्लेट, पॉकेट नेम प्लेट, मतलब फुल्ली मॉडिफिकेशन। गाड़ी आप यहाँ पे लेकर आए और आपको पूरी तौर से एकदम फुल्ली मॉडिफिकेशन, लाइट बोर्ड वगैरह भी बना सारा सारा हमारे यहाँ, मतलब हाँ मतलब आर्ट ही है तो आर्ट का तो कोई लिमिट है नहीं, अनलिमिटेड है। तो दरभंगा आइएगा तो निश्चित रूप से लीजिएगा इनके यहाँ, और हम इसीलिए इनका वीडियो बना रहे हैं, एक तो पहले हमको सही चीज़ सजेस्ट किए, दूसरा इनको पता चला कि रिपोर्टिंग करते हैं तो हमको इसमें डिस्काउंट भी मिल रहा। रहा बात रेट का, तो रेट जो है सो निश्चित रूप से इसका रेट आप निश्चित रूप से कस्टमर को बता दीजिए। जी इसका रेट है लगभग आप समझ लें 1895 का है, मात्र 1800। हाँ 1895, हम तो 3000 पर रहे थे। जी नहीं नहीं, कम ही में है और बेहतरीन चीज़ है, अच्छा इसलिए मिल जाएगा आपको इतना ही में, मात्र 1800 रुपया। आप सोचिए ना, मेला ठेला जाते हैं तो खर्चा हो जाता है 2000, 1800 है सही? जी जी सस्ते हैं। जी जी बेहतर है, बेहतर है, सही में बेहतर है। और ये हेलमेट हम आज लेंगे रहमान भाई के यहाँ से। आप लोग भी आइएगा कभी दरभंगा मिर्ज़ापुर रोड में, तो खानका चौक पे गोल्डन आर्ट है, रहमान भाई मिल जाएंगे, अच्छा व्यवहार के इंसान है, अच्छे से बात भी करेंगे, रेट भी कंसेशन कर देंगे, सामान भी अच्छा देते हैं। और सबसे बड़ा एक यूनिक चीज़ है कि 25 साल से दुकान चला रहे, कोई आदमी ठगेगा उगेगा तो 1-2 साल 3 साल में डूब जाएगा। ये सिल्वर 2025 में सिल्वर जुबली होने जा रहा है हमारा गोल्डन आर्ट का, तो हमारा ये समझ ले कि 25 साल से हमारा ये दुकान है। और अंतिम वीडियो ख़त्म करें उससे पहले आपको एक खुशखबरी, क्या एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, काफ़ी खुशी के साथ आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। अभी तक हम जो रिपोर्टिंग करते थे माइक ऐसे ही रहता था, हमारे फेस के वजह से जानते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप क्षेत्र बड़ा किए हैं तो लोगों लगता है, लोग पूछते रहता है कौन सा चैनल है नया जगह पर, तो हमको देखिए क्या बना के दिए हैं। ये देखिए एकदम गोल्डन आर्ट नाम है और पूरा गोल्डन लेटर से हमको कटिंग करके माइक का लोगो बना करके दिए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए माइक ऐसा था, अभी इस माइक को अब हम थोड़ा सा अब हम प्रोफेशनल इसको बना रहे हैं, यहाँ से जाएगा, ये देखिए माइक का लुक कैसा हो गया ऐसा जैसे बिना कपड़ा का था, इसको कोट पैंट पहना, कपड़ा पहना दिया गया कैसा लग रहा है माइक बताइए, और पूरा गोल्डन गोल्डन है, हमारे दर्शक भी पूरे गोल्डन हार्ट के ही हैं, रहमान भाई भी गोल्डन हार्ट के हैं। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।